तो भाई लोग इंटरनेशनल लीग T20 2024 का जो पहला मैच है ना, इसमें शारजा वॉरियर्स के सामने होगा गल्फ जाइंट्स। गल्फ जाइंट्स की बात करें तो पिछले साल की चैंपियन है, सभी को एक तरफे धोया और चैंपियन बन गया। वहीं दोस्तों शारजा वॉरियर्स की बात करें तो पिछले साल की ना सबसे फिसड्डी टीम है। तो भैया एक फिसड्डी टीम पिछले सीजन की, एक चैंपियन टीम, और 2024 की जो शुरुआत हो रही है इंटरनेशनल लीग T20 की, इन दोनों के बीच में हो रही है। तो क्या फिसड्डी टीम फिर से फिसड्डी बनेगी? बोलेगी ना जी, इस बार ही ना हम अपनी कहानी बदलने आए हैं। और गल्फ जाइंट तो सोचेगा ना पिछले साल की चैंपियन, इस बार भी चैंपियन ही बनना है, तो शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन पता है दोनों में से कोई एक जीतेगा एक हारेगा, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे गल्फ जाइंट भले ही पिछले साल चैंपियन थे, लेकिन शारजा और गल्फ के बीच में जो दो मैच खेले गए थे ना, दोनों टीमों ने एक एक मैच अपने नाम पे किया था। यानी पिछले सीजन तो लड़ाई बराबरी की रही थी। शारजा कह रहा होगा कि भैया हम किसी के सामने कैसी भी परफॉर्मेंस किए, लेकिन आपको तो बराबर की टक्कर दिए थे। गल्फ जाइंट बोला हाँ यार, हम चैंपियन बने थे, लेकिन इन्होंने सबसे फिसड्डी टीम ने हमको बराबर की टक्कर दी थी। तो आज के मैच में क्या होगा एनालिसिस करेंगे, फिर बताएंगे कौन सी टीम जीत सकती है आज का मैच। तो चलो फिर वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कर दो, गूगल चाचू को बता दो वीडियो के अंदर दम कम है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कर दिया, बहुत बढ़िया। साथ में ना भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पता है ना क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं भाई साहब, और सभी मैचों की जो वीडियो है ना वो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन देना पॉसिबल है ना, कहां पे? मेरे टेलीग्राम पे। तो अगर आपको सभी मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन चाहिए तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, या फिर जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर डालो। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है। वैसे अगर हम इस मैच की बात करें, 8 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। यह मुकाबला खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम, शारजा के मैदान पर। इंटरनेशनल लीग T20 के इस पे 6 मैच खेले गए, 3 मैच में टारगेट डिफेंड, 3 मैच में टारगेट चेंज। ये जो डिफेंड की जो कहानी है वो तो बराबर के दिख रही है यहाँ पे, लेकिन डिफेंड ज्यादा होता क्यों होता मैं आगे बताऊंगा। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 160 ज्यादा नहीं बनते, क्यों नहीं बनते वो भी आगे बताऊंगा। अगर चेज की बात करें तो 152 152 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 168 168 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 152 से 168 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला बराबरी का है भाई साहब, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहां का जो सरफेस है ना वो ड्राई एंड हार्ड है। जब ड्राई एंड हार्ड सरफेस होता है तो क्या होता है, जो कंडीशन होती है ना काफी ज्यादा स्लो होती है, जो बॉल होता है बैट पे काफी ज्यादा रुक कर आता है, जो स्पिनर्स गेंदबाज है ना इनको थोड़ा सा घुमाव भी मिलता है। लेकिन 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 दोस्तों अभी पिच यहां का ना फ्रेश है, जब फ्रेश पिच है तो थोड़ा सा यहां पे रन आपको बनते हुए दिखेंगे, मतलब जो पहला मैच है ना इसमें थोड़ा सा रन बनेगा, क्योंकि जब तक बॉल फ्रेश होगा पिच यूज हो पिच भी बिल्कुल फ्रेश होगा तो उतना ज्यादा टूटा नहीं होगा। जब पिच टूटा नहीं होगा तो बॉल बैट पे अच्छे से आएगा। बाउंड्री लेंथ की बात करें 53 मीटर से 66 मीटर की बाउंड्री, आप सबको पता है शारजा की जो बाउंड्री वो छोटी है, तो फ्रेश पिच है तो पहले मैच में थोड़ा सा रन बनते हुए आपको दिखेंगे। मतलब पावर प्ले स्कोर की बात करें तो आप समझ लो 49 से 54 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 170-180 190 के आसपास पहले मैच में आपको स्कोर देखने को मिल सकता है, पहले मैच का है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मैचेस होते जाएंगे वैसे वैसे स्कोर यहाँ पे कम बनता जाएगा। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो शारजा वॉरियर्स ने अपने घर में पिछले सीजन 3 मैच खेला था और भाई साहब तीनों मैच हार गए थे, मतलब अपने घर में इनकी चकबक ना चली थी। वहीं गल्फ जाइंट्स की बात करें तो 2 मैच खेला था एक और दोनों ही मैच जीता था। तो गल्फ जाइंट ने शारजा के मैदान पे पिछले सीजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। शारजा वर्सेस गल्फ जाइंट्स के बीच में 1 मैच खेला गया था जिसे गल्फ जाइंट्स ने अपने नाम पे किया था, यानी गल्फ जाइंट्स ने बोला था कि भैया पिछले सीजन हम तो तुम्हारे घर में आए थे और तुम्हारा ही शिकार करके चले गए थे। बात तो सही है, क्या इस बार भी वैसा ही होगा? चलो हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शारजा की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी आज के इस मैच में। कुप्टिल के साथ ना जॉनसन 40 ओपन करते नजर आएंगे, तीसरे नंबर पर दिखेंगे आपको टॉम कोलर कैडमोर। आप बोलोगे तो बिग बैच खेल लें, ये बिग बैच छोड़ के तब तक आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले खेलेंगे बिग बॉस बाद में खेलेंगे, सॉरी बिग बॉस नहीं बिग बैच, क्योंकि बिग बॉस अपना अपने देश में एक टीवी शो है तो इसलिए थोड़ा सा वो याद आ रहा है। चौथे नंबर पे आपको जोए डेनली दिखेंगे, पांचवें नंबर की बात करें तो बासिल हमीद, छठवें नंबर पे
लेविस जोजरी दिखेंगे, सातवें नंबर पर डेनियल सब्स, आठवें नंबर की बात करें तो कैश अहमद, नौवें नंबर पर क्रिस वोक्स, दसवें नंबर की बात करें तो जुनैद सिद्दीकी और ग्यारहवें नंबर की बात करें तो मोहम्मद जवादुल्ला। ये हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 किसकी, शारजा वैरियर्स की। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे गल्फ जायंट्स की बात करें तो उस्मान खान के साथ जेम्स एविंस ओपन करते नजर आएंगे। आप बोलोगे जेम्स एविंस भी बिग बैश में, ये भी आ जाएंगे भैया, क्योंकि इस टीम के तो कप्तान है, कप्तान साहब को तो आना ही पड़ेगा, मैच जिताना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर गिरहाड़ इरास्मस खेलते नजर आएंगे जो कि नामीबिया के कप्तान है। चौथे नंबर पर सिमरन हेटमाया, पांचवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे जैमी ओवरटन खेलते नजर आएंगे। छठवें नंबर पे अयान अफजल खान, सातवें नंबर की बात करें कार्लेस बैथवेट, आठवें नंबर पे रेहान अहमद, नौवें नंबर की बात करें क्रिस जॉर्डन खेलते नजर आएंगे, दसवें नंबर पे संचित शर्मा और ग्यारहवें नंबर की बात करें तो मुजीबुर रहमान यहाँ पे खेलते नजर आएंगे। तो ये हो सकती है गल्फ जायंट्स की इस मैच के पॉसिबल प्लेइंग 11। अब करते हैं कंपेरिजन और देखते हैं कौन सी टीम है मजबूत, कौन सी टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही। तो भैया इधर होंगे मार्टिन गुप्टिल जो T20 के काफी ज्यादा कमाल के बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, दबा दबा के एक्सपीरियंस भरा, एक्सपीरियंस में सबके अब्बा लगे। इधर है उस्मान खान जो पाकिस्तान से आते हैं, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है, पिछले साल PSL में शतक भी लगाया था, तो आप समझ सकते हैं बंदे के अंदर दम कम है। लेकिन जो एक्सपीरियंस मार्टिन गुप्टिल लेके आते हैं उसके आगे कहीं ना कहीं उस्मान खान में भी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। उसके बाद इधर होंगे जेम्स एविंस, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से आते हैं, तो ये जो अंग्रेज है ना काफ़ी टैलेंटेड है, जो इंग्लैंड के लिए खेला, दुनिया की बिग बैश खेलता है और हर जगह लगभग बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। इधर होंगे जॉनसन चार्ल्स जो कि वेस्ट इंडीज से आते हैं, ये भी काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ टाइम से जो इनकी परफॉर्मेंस रही है ना थोड़ा सा बेहतर रही है, क्यों रही है वो तो अच्छा खेलने इसलिए रही है, इसी चक्कर में इनको वेस्ट इंडीज़ की T20 टीम में मौका भी मिला। तो मुझे लगता है यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स और जेम्स एविंस का जो मामला है वो तो मुझे बराबर का नज़र आ रहा। और आगे चले इधर है टॉम कोनर कैडमोट, इंग्लैंड से आते हैं, ये जो अंग्रेज है ना काफ़ी T20 लीग खेलता है, लेकिन कभी चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन जब चलते हैं तो बढ़िया चलते हैं। और इधर है गिरहाड़ इरास्मस, गिरहाड़ इरास्मस की बात करें तो नामीबिया के कप्तान है, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी संभल के खेलते हैं, एक्सपीरियंस भी इनको ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है गिरहाड़ इरास्मस और टॉम कोनर कैडमोट की जो कहानी है ना ये मुझे थोड़ा सा बराबर की नज़र आ रही। उसके बाद और आगे चले इधर है सिमरन हेटमायर, आपको पता ना सिमरन हेटमायर क्या खतरनाक बल्लेबाज है, लंकड़ उड़वा देते हैं भैया, अगर ये चले तो मैच खत्म, अकेले मैच जिता सकते हैं। और इधर है जॉय डॉनली की बात करें तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है कभी सोलो मोशन वाली होती है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, कभी चलते कभी नहीं चलते। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो सिमरन हेटमायर है ना वो ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे किससे, जॉय डॉनली से। और आगे चले इधर है बासिल हमीद लोकल लड़का है, UAE का लड़का है, इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है ठीक ठाक रहती है, काफ़ी बढ़िया खेलते हैं। और इधर है जैमी ओवरटन की बात करें, अभी बिग बैश में खेल रहे हैं, आप सबको पता है माल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वहां से जब यहां आएंगे तो फॉर्म लेकर आएंगे, तो जैमी ओवरटन की जो फॉर्म है ना वो बासिल हमीद से बेहतर नजर आ रही। और आगे चले इधर है अयान अफजल खान, जिसे हम ना बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, थोड़ी बहुत गेंदबाजी और बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा सा लोकल लड़का है, लेकिन वही है ना कि उतना मतलब बड़ी टीमों के सामने खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। और इधर है लेविस जोजरी की बात करते हैं, मे बी ये कप्तान होंगे मोइन अली, क्योंकि चले गए ऐसे खेलने ऐसे T20, तो यहाँ पे ये लेविस जोजरी कप्तान होंगे, जो अंग्रेज हैं, काफ़ी बढ़िया ये भी बल्लेबाजी के साथ साथ थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते, कमाल का ऑलराउंडर है, जो इंग्लैंड टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुका। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो लेविस जोजरी हैं वो अयान अफजल खान से तो बेहतर नजर आ रहे हैं। और आगे चले इधर हैं डेनियल सैमसन बोले भैया ये भी चले आएंगे ऑस्ट्रेलिया की लीग छोड़ के, भैया इनकी टीम तो बाहर हो जाएगी 17 तारीख को, बाहर हो गई है तो ये तो वहाँ पे टिकेंगे नहीं, बोलेंगे चलो इंटरनेशनल लीग T20 खेलते हैं। तो डेनियल सैमसन आपको पता है ना कमाल के बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो बढ़िया गेंदबाजी के साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बिग बैश में इनकी गेंदबाजी बढ़िया चल भी रही, हाँ बल्लेबाजी थोड़ा सा उतनी नहीं चली जिस तरह के चलने चाहिए थे। इधर हैं कार्लेस बैथोर, 4 छक्के से नाम बनाया था लेकिन फिर बहुत उसके बाद परफॉर्मेंस डाउन होती चली गई। अभी के टाइम की बात करें तो बल्लेबाजी इनकी बहुत अच्छी नहीं चलती, लेकिन जो गेंदबाजी है T20 में अभी भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड करते हैं। तो मुझे लगता है जो डेनियल सैमसन की फॉर्म है उसके भी पे कार्लेस बैथवर्ड कहीं ना कहीं डेनियल सैमसन से थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहे हैं। और आगे चले इधर हैंगे रेहान अहमद की बात करें तो काफ़ी टैलेंटेड लड़का है इंग्लैंड की टीम में, इसलिए इनको मौके भी मिले। और आगे आने वाले टाइम पे मुझे लगता है मोइन अली आदिल रशीद के बाद ना किसी एक की गद्दी ये संभालेंगे, जो बढ़िया गेंदबाजी के साथ साथ ना थोड़ी बहुत बल्लेबाजी का भी ऑप्शन देते हैं। और इधर इन्हीं के देश के क्रिस वोक्स की बात करें तो कमाल के तेज गेंदबाज हैं, और साथ में जो बल्लेबाजी करते हैं ना ये भी काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़बरदस्त रहती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो क्रिस वोक्स हैं वो रेहान अहमद से तो बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। और आगे चले इधर है कैश अहमद, अफगानिस्तान के कमाल का स्पिनर्स गेंदबाज है, जो पता है हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करता है, जो फॉर्म है वो भी ठीक ठाक है, अभी अफगानिस्तान के स्क्वाड में भी थे इंडिया के सामने। और इधर कौन है
क्रिस जॉर्डन की बात करें तो भैया ये भी कमाल का गेंदबाज है, जो गेंदबाजी T20 में तो बढ़िया करता, आजकल ये बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते, तो हम इन्हें ना ऑलराउंडर कहेंगे। तो जिस तरह की क्रिस जॉर्डन की परफॉर्मेंस है ना, उसके बिहाव पे कहीं ना कहीं कैश अहमद तो भैया थोड़ा सा पीछे तो नजर आ रहे हैं। उसके बाद और आगे चले तो संचित शर्मा, UAE का लड़का है, बढ़िया गेंदबाजी करता, खास करके न्यू बॉल से बहुत अच्छी स्विंग करवाते हैं, हालांकि डेथ में थोड़ा सा पीटे जाते हैं। सेम जुनैद सिद्दीकी की कहानी, ये भी न्यू बॉल से बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, डेथ में थोड़ा सा पीटे जाते हैं। तो जुनैद सिद्दीकी और संचित शर्मा का जो मामला है ये तो बराबर का नजर आ रहा है। और आगे चले तो इधर है मोहम्मद जवादुल्लाह, ये भी आते हैं कहाँ से, UAE से, पिछले एक डेढ़ साल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर इनको खिलाया जाएगा। लेकिन इधर कौन है, मुजीबुर रहमान भैया, आज के टाइम पर ना अफगानिस्तान में राशिद खान के बाद आज के टाइम पे क्या काफ़ी दिनों से बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, दुनिया भर के लीग कर रहे, जो करंट परफॉर्मेंस है मुजीब की ना वो अच्छी है, चाहे अभी इंडिया के सामने देख लो या फिर बिग बैश में भी देख लो। तो मुझे लगता है मुजीबुर रहमान के आगे ना जो मोहम्मद जवादुल्लाह है ये थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे थे। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करने के बाद देखें, जो गल्फ जाइंट्स की टीम है ये मुझे ना शारजा वेरियर्स से थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। तो क्या होगा आज के इस मैच में, चलो मैं आपको बताता हूँ। बस उससे पहले छोटा सा काम कर दो, भाई के चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो लाइक, जिससे गूगल चाचू को पता चल जाए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना वो 40 and 60 का, 40 शारजा वेरियर्स, 60 गल्फ जाइंट्स। तो अगर आप यहाँ पे चाहें जो मजबूत टीम है गल्फ जाइंट्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो आज का मैच है ना शारजा वेरियर्स अपने नाम पे कर सकता है। देखो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आज का मैच है ना शारजा वेरियर्स अपने नाम पे कर सकता है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता ना बहुत सारे क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, सभी मैचों की जबरदस्त वाली जो प्रेडिक्शन है वो मेरे टेलीग्राम पे मिलती है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ या कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, फटाफट जाओ ज्वाइन कर डालो अगर आपको सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।